लाऊ मजा और मार हंकर से चमड़ी और तेरी खींच ले बदजुबानी की मुझसे। चांद का दाग तांत्रिक की चाल और फिटाको तिलावर दोस्तों आप लोगों का ध्यान मैं रायबरेली जिला को छोड़ करके विराट नगर की तरफ ले जा रहा हूं। पूरा विराट नगर अकाल से पीड़ित है। देखिए विराट नगर के महाराज चंद्रदेव अपने जथा उचित सिंहासन पर विराजमान हैं। महाराज के दायाशाह महाराज के वफादार मंत्री कुमत सिंह बैठे नजर आएंगे। प्रिय दोस्तों महाराज के बादशाह महाराज के सेनानायक सेनापति विराट नजर आएंगे। आइए प्रिय दोस्तों देखिए अकाल के विषय में महाराज चंद्रदेव अपने वफादार मंत्री कुमत सिंह व अन्य कर्मचारियों से क्या वार्तालाप करते हैं। दोस्तों पेशे चांद का दाग तांत्रिक की चाल उर्फ डाको दिलावर। मुबारकबाद हरियाला हो ये सरकार।
मत सिंह राजन एंड कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से पांच पांच असरफी तथा एक एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। चेहरा जाओ एंड कंचनियों को शाही खजाने से पांच पांच असरफी व एक एक साड़ी देकर के हर रोज की भांति इन्हें राज दरबार से रोकसत करो। आज्ञा का पालन होगा। ऐ कंचनियों, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि राज दरबार में जब जब आप लोग आती हैं, मुबारक गीत गाती हैं, तो कोई न कोई उपहार लेके अपने घर को जाती है। तो हमेशा की तरह आज भी महाराज का अदा बजाते हुए हमारे साथ है और अपना अपना इनाम लेकर अपने अपने घर। महामंत्री कुमत सिंह
राजन। जैसा कि तुम जानते हो आज 10 वर्ष गुजर गए हमारे इस विराट नगर में अकाल पड़ा हुआ है। क्या नहीं राजन? इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ऐ दानवीर सम्राट, इस विराट के लिए क्या हुक्म है राजन? आता तो कुमत सिंह मंत्री मेरे बधे जिगर नहीं मंत्री मेरे पांधे जिगर नहीं थी। ये रियाया सह पावे नहीं अब इस आकार की। महामंत्री कुमार सिंह, जब तक अकाल पड़ा हुआ है हमारी ये रियाया अकाल से मुक्ति नहीं पा जाती है, तुम्हें करना क्या है? आदेश है राजन। तो शाही दरबार से रसद भरती रहे, शाही दरबार से रसद भरती रहे, दर बदर नगर में सबके घर जाकर खाने पीने का सामान और वस्तु सहित चौतरफ गाड़ियां भेजो भरवाए। ऐ दानवीर सम्राट, आज 10 वर्ष हो गए हैं इस विराट नगर में अकाल पड़े हुए, लेकिन ये विराट नगर की किस जनता किस हाल में है गौर फरमाइएगा। तो 10 बरस से रसद पत्नी सारे नगर 10 बरस से करिए नहीं। सुबह से शाम तक ताक करता हूं मैं, मुश्किलों से मेरे शाह डरिए। आए दानवीर सम्राट, आज इस विराट नगर में अकाल पड़े हुए 10 वर्ष हो गए, लेकिन प्रजा को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ नहीं है राजन। हर वसल अपने अपने घरों में चैन व अमन की जिंदगी जी रही है। महाराज, मैंने रहते हुए इस विराट नगर की जनता को किसी प्रकार की दुख व तकलीफ हुई राजन, तो मेरे मंत्री पद पर रहने ना रहने से क्या? शाबाश शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुमसे यही उम्मीद है। आओ अपना स्थान ग्रहण करो। मेरी सेना के सेनानायक सेनापति विराट राजन, जैसा कि तुम जानते हो आज 10 वर्ष गुजर गए इस विराट नगर में अकाल पड़ा हुआ है। क्यों नहीं राजन? महामंत्री कुमार सिंह हमेशा परेशान रहते हैं हर राजन कि रियाया को कोई तकलीफ ना हो। मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ राजन। आप इस सेनापति विराट से क्या कहना चाहते हैं राजन? सुनो तो सेनापति, सेना भेजो मदद के लिए। सेनापति, सिर्फ सेना की एक टुकड़ी महामंत्री जी के साथ भेज दिया जाए। सेनापति, सेना भेजो मदद के लिए।
जिससे रियाया का भी सरहदे कभी ख्याल रखना तुम्हें सीमा सरहदे कभी ख्याल रखना तुम्हें बिन जवानों के सरहद न पीना राजन, आप सेना के बारे में जानना चाहते हैं। सेना पर विराट आपको सब कुछ बताएगा कि साहा सारे नगर और सरहद की भी राजन कि साहा सारे नगर और सरहद की भी चौकसी से नजर रखा रक्षा करने के खातिर मेरी देश की रक्षा करने के खातिर मेरी लैस सेना सभी मोर से पे राजन जब तक कि आपका वफादार सेनापति विराट इस विराट नगर सीमा सरहद पर तैनात है तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल कि वो हमारे विराट नगर सीमा सरहद की तरफ आंख उठाकर देखे। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर सर, तुम पे मुझे गर्व है, आओ अपना स्थान ग्रहण करो। हेलो हेलो राम राम रटते रहो धरे रहो मंदिर कारज सभी समार है भाई सीता पते रघुवीर तुलसी बिरवा बागमा तुलसी बिरवा बागमा सीते से तुमलाए रहे भरोसे राम के भय पर्वत पर नारायण नारायण अरे तेरा अग्निया लाग मोरे तने माँ तेरा अग्निया लाग मोरे तने माँ कौन सख मार गई तो नवा हो रहा मार गई तो नवारा दुनिया हले कौन सखी तो नवारा मार सखी कौन गई तो नवारा तेरा यकीन लाज मोरे तने
कौन सत मार गई तो नवा।